विधायक दीपचंद खैरिया, प्रधान वीपी सुमन व एसडीएम गंगाधर मीणा ने उपखंड कार्यालय पर विद्युत एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। गर्मी में बिजली व पानी की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए दोनों विभाग के अधिकारी बेहतर सामंजस्य बनाए। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति में अधिकारी कोई लापरवाही नहीं बरते, पानी सप्लाई के समय विद्युत कटौती नहीं करें। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि बैठक में खैरतल में 33/11 के विद्युत स्टेशन को जल्दी ही शुरू करवाने के लिए कहा। विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि जनता जल मिशन के तहत हो रहे टेंडरों को जल्दी ही लागू करवाए एवं शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करे। प्रधान वीपी सुमन ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कहा कि रात्रि के समय कटौती कम करें एवं गांव में 3 फेज की बिजली पानी भरने के लिए सुबह जल्दी ही देवे। रात्रि से समय विद्युत विभाग की FRC टीम की गाड़ी विद्युत फॉल्ट या अन्य तकनीकी खराबी के चलते समय पर नहीं पहुंचने की शिकायत मिलने पर अधिकारियों को दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने व ठेकेदार द्वारा फीडर पर पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी रखने एवं लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रधान बद्री प्रसाद सुमन, चेयरमैन नगर पालिका खैरतल हरीश रोगा, PCC सदस्य गिरीश टाटा, ब्लॉक अध्यक्ष खैरतल शिवचरण गुप्ता, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता रामरतन बैरवा, खैरतल विद्युत सहायक अभियंता RN शर्मा, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता सीताराम वर्मा, कनिष्ठ अभियंता प्रवीण कुमार सैनी, सहायक अभियंता जलदाय विभाग NCR प्रदीप शर्मा और नवीन खैरिया मौजूद रहे।